गाइस, वेलकम टू ब्लॉग मोटो ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं इंडियन ढाबा। रात का समय हो रहा है 12:10 और मैं इस राइड पे निकल चुका हूँ। आप देख रहे हैं कानपुर से उन्नाव की दूरी तय करने वाले हैं और उन्नाव से कर लगभग 4 किलोमीटर और आगे जाकर इंडियन ढाबा है। काफ़ी ही पॉपुलर ढाबा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में वहाँ पर डिशेज मिलती हैं और आप चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ का कितना प्यारा आइटम है और आप काफ़ी चीज़ प्राइस में आपको मिल जाएगा। मलाई टिक्का, आलू टिक्का, काफ़ी आइटम है, आपको ऐसे नहीं बता सकते। आपको वहाँ पर मेनू कार्ड आपको दिखा देंगे, काफ़ी प्यारी चीज़ें, अच्छी एक से एक सामान आपको मिलेगा, अच्छे से अच्छा वैरायटी खाने पीने की आपको मिलने वाली है और काफ़ी ही लो प्राइस में। आप वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। आपका कानपुर से लखनऊ का आना जाना है तो आप बिल्कुल इंडियन ढाबे पे होके ज़रूर निकले, एक बार वहाँ का खाने का टेस्ट बिल्कुल करके देखें तो आपको खुद पता चलेगा कितना ही लाजवाब खाना है। तो गाइस, मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा खाने पीने के लिए आइटम निकल चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं। ये देखिए मेरे पार्टनर लोग बैठे हैं। इतने टाइम समय क्या हो रहा है? इस वक्त 12 बजे और हम लोग देखिए कितना अच्छा मौसम और कहाँ हम लोग जा रहे हैं, बहुत ही शानदार नजारा है। और हम लोग आ चुके हैं हाईवे लखनऊ होते हुए हम लोग आगे जहाँ भी रास्ता जाती है वहाँ चल लेंगे। गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं, ये इंडियन ढाबा कानपुर और लखनऊ हाईवे के बीच में है और बहुत ही काफ़ी अच्छा आइटम यहाँ पर मिलता है और आपका पनीर का कढ़ाओ का पनीर, यानी काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी पॉपुलर है जगह है। और इस टाइम ये जो वक्त हो रहा है यहाँ पर, हम लोग को 1 बज रहा है, यानी कि रात का 1 बजे हम लोग रात में यहाँ पर आए हैं अपने कानपुर से। और ये लखनऊ के कम से कम, ये तुम्हारे उन्नाव के थोड़ा सा आगे पड़ता है, कानपुर से लगभग ये आपको पड़ने वाला है कम से कम ये 23-24 किलोमीटर कानपुर से। तो गाइस, आप देख सकते हैं, ढाबा बहुत ही फेमस ढाबा है, इंडियन ढाबा। और आपको यहाँ पर रात में चाहे दिन में, यानी रात में भी आपको यहाँ पर पब्लिक काफ़ी दिखेगी क्योंकि हाईवे से लग के कानपुर से लखनऊ हाईवे की रोड पे है ये और कानपुर से 23 किलोमीटर है, कानपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पे आपको ये ढाबा मिल जाएगा। ये देखिए, तो गाइस आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर काफ़ी लाजवाब डिशें मिल जाएंगी, मसाला पनीर, आलू। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए भैया रोटी भी यहाँ पर बना रहे हैं, इंडिया ढाबा का काफ़ी यहाँ पर काफ़ी लाजवाब रोटी भी है यहाँ की। और देखिए इधर यहाँ पर प्याज भी छीला जा रहा है, सब कुछ काम चल रहा है। बिल्कुल भाई, सब प्याज ये रहो। ये देख रहे भैया, ये अच्छे से काम कर रहे हैं, देखिए। तो गाइस देख, क्या चीज़ है, क्या मंगवाओगे? तो गाइस देख लो, पनीर आई है अभी, क्या है शाही पनीर आ चुका है, आप देखो तो गाइस हम लोग बस अब खा के उठ चुके हैं, बाकी थोड़ा सा आपको और भी मोमेंट दिखाना चाहते हैं, देख ले सकते हैं आप लोग। तो गाइस हम लोग देख सकते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, ये देखिए पेमेंट को पेड करवा देते हैं। यहाँ पर काउंटर है भैया, तो गाइस हम लोग पेमेंट को पेड कर दिया है, बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर की ओर, कानपुर की ओर। आप देख सकते हैं, कभी आप आओ तो बिल्कुल जरूर ये ढाबा पर जरूर आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता चला था कि हम लोग कानपुर से उन्नाव की ओर निकले हुए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि हम लोग किस जगह पर खाएंगे खाना।
और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डिनर हम लोग इंडियन ढाबा पर किया हम लोगों ने, और आप लोगों ने देखा कि मैंने खाया उस जगह पर और काफ़ी ही डिलीशियस खाना था, बहुत ही टेस्टी था। तो मैं आपको इस ढाबे के बारे में डिटेल्स बता देता हूँ। ये कानपुर सेंट्रल से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। कभी भी आप कानपुर से लखनऊ की ओर या अदरवाइज कहीं भी निकलें तो आप इस इंडियन ढाबा पर एक बार ज़रूर आएँ, और यहाँ की क्वालिटी आप देखेंगे ना तो एक बार भी अगर आप आते हैं तो यहाँ पे बार बार आ पाएंगे आप। हमारे दर्शक को ये तो दोस्त, यहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में हम लोगों को खाना हुआ, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, यहाँ तक हम लोगों ने सोचा था शायद 500 तक के हमारा बिल पे होगा, बट हमने यहाँ पर जब जाकर के बिल पे किया तो वो बोलते हैं कि 160 रुपीज़ ओनली। तो दोस्तों ओनली 160 बहुत सस्ता। प्लस मैं आपको एक खास बात ये बता दूं कि 160 रुपीज़ में सिर्फ मैंने ही नहीं खाया, साथ में हमारे दोस्त भी थे उन्होंने भी खाया। ये भाई साहब, तो दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि 160 रुपीज़ के बाद राइड करना है ना, कि मुझे कुछ भी खाने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा भी था कि सामने ही बोली बिल्कुल भी हमारी गाड़ी रहेगी 160 रुपीज़ हमारे।